हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की सेकंड एडमिशन लिस्ट के बारे में। यानी दोस्तों, कुछ कोर्सेज की सेकंड लिस्ट आ चुकी है, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम सबसे चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आप जाएंगे एडमिशन रिज़ल्ट के कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर अपना आप सेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी की। तो मास्टर्स हमने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे जो एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है उसकी सेकंड लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये M50 पे कोर्स था, तो उसको हम M50 वाला कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। M50 पे नैनो टेक्नोलॉजी वाला कोर्स था, ये हमने सेलेक्ट किया, सर्च किया। तो यहाँ पे देखिए 23 जुलाई सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आ चुकी है। ठीक है, इसको आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं सेकंड लिस्ट में। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपको 25 से 27 जुलाई तक कम्प्लीट करनी है। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, जिसका नाम है BA LLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ से हम बैचलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और BA LLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस वाला जो कोर्स है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लास्ट में कोर्स है, मेरे को याद है, इसलिए मैंने लास्ट का इसका सेलेक्ट किया। इसको सर्च पर क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ पर आप देखिए सेकेंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट B56, ये 23 जुलाई को सेकेंड लिस्ट आई है। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में क्या कट ऑफ गई है, कौन कौन से रोल नंबर वाले कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ 25 से 27 जुलाई तक कंप्लीट करनी है, और फिर कट ऑफ यहाँ पर आ गई। ठीक है, जनरल की कट ऑफ अभी भी 91 है, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मेंशन हुई हुई आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ दोस्तों। MSc फिज़िक्स की जो सेकेंड लिस्ट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। यहाँ से हमने मास्टर्स सेलेक्ट करा, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे MSc फिज़िक्स वाला कोर्स। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं MSc फिज़िक्स, ये हमने सर्च किया और फिर सर्च बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ देखिए M25 की सेकंड लिस्ट 23 जुलाई को डिक्लेयर हो गई है। इसको भी आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और कट ऑफ वगैरह और सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। 25 से 27 जुलाई तक आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करनी होगी, और फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं आप, और सेकेंड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन हुई हुई आपको मिल जाएगी। फिजिक्स के बाद दोस्तों MSc बायोसाइंस की भी सेकंड लिस्ट आ चुकी है। तो आप MSc बायोसाइंस की भी सेकंड लिस्ट चेक कर सकते हैं, और इसकी जो आपकी कट ऑफ वगैरह है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडमिशन डेट दोस्तों ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। ये लिस्ट 23 जुलाई को आई थी, तो इसकी भी एडमिशन डेट 25 से 27 जुलाई है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कट ऑफ आ जाएगी कैटेगरी वाइज, फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेकंड एडमिशन लिस्ट के बारे में। आगे भी ऐसी अपडेट आते रहेंगी तो हम वीडियो बनाकर देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।